जाने लाल भिंडी की खेती कैसे करें। भारत के किसान अब पारंपरिक खेती के साथ साथ तकनीक का उपयोग करके नई नई खेती करके अपनी आय बढ़ा रहे हैं। इसी कड़ी में देश के किसान अब लाल भिंडी की खेती की तरफ रुचि ले रहे हैं। लाल भिंडी की खेती साल में दो बार यानी कि फरवरी मार्च और जून जुलाई में की जा सकती है। इसकी खेती के लिए गर्म और कम आर्द्र जलवायु अनुकूल मानी जाती है। हरी भिंडी के मुकाबले इसमें पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। भिंडी की इस नई किस्म की खेती कर किसान बाजार से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन ऐसे कई किसान हैं जो ये नहीं जानते कि लाल भिंडी की खेती कैसे की जाती है, बाजार में ये कितनी कीमत पर बिकती है, इसका बीज कहाँ मिलेगा, भारत में इसकी खेती कहाँ पर होती है। आइए लाल भिंडी की खेती से जुड़ी हर जानकारी के बारे में जानते हैं। भारत में लाल भिंडी की खेती करने वाले प्रमुख राज्य। किसानों के बीच कम जागरूकता के कारण लाल भिंडी की खेती भारत के अभी कुछ ही राज्यों में होती है। भारत में लाल भिंडी की खेती करने वाले प्रमुख राज्यों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ हैं। खेत तैयार करने की प्रक्रिया। किसान मानसून और ग्रीष्म ऋतु के समय लाल भिंडी की खेती कर सकते हैं। बुआई से पहले अच्छी तरह खेत की जुताई करें और कुछ समय के लिए खुला छोड़ दें। यदि आप एक एकड़ में इसकी खेती कर रहे हैं तो इसमें 15 गाड़ी पुरानी गोबर की खाद डालें और अच्छी तरह खेत की जुताई कर दें। ऐसे करने से गोबर की खाद मिट्टी में अच्छी तरह से मिल जाएगी। प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश खेत में डाल दें। अब खेत में पानी छींट दें और पलेव करें। 2 से 3 दिन बाद जब जमीन की ऊपरी सतह सूखने लगे तब दोबारा इसकी जुताई कर दें। इसके बाद खेत को समतल करने के लिए पाटा लगाएं। लाल भिंडी हेतु बीज रोपण की विधि। खेत तैयार करने के बाद अब बीज रोपण की बारी आती है। इसके लिए सबसे पहले आप लाल भिंडी के बीजों को 10 से 12 मिनट के लिए पानी में भिगो कर रख दें। बीज का अच्छी तरीके से अंकुरण हो सके इसके लिए इन्हें छाया में सुखा दें। लाल भिंडी के पौधों को लाइन से रोपित करें। लाइन से लाइन की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर और लाइन में पौधे से पौधे के बीच 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी रखें। लाल भिंडी को रोगों से कैसे बचाएं? भिंडी की इस किस्म में मच्छर, इल्ली और दूसरे कीट जल्दी नहीं लगते, लेकिन इसके पौधे को लाल मकड़ी से खतरा रहता है। ये पौधों की पत्तियों के नीचे के साथ पर झुंड बनाकर रहने लगते हैं और इनका रस चूसते रहते हैं। इससे पौधे का विकास रुक जाता है और धीरे धीरे पूरा पौधा पीला होकर सूख जाता है। इससे बचने के लिए पौधों पर डाइकोफॉल या गंधक का सही मात्रा में छिड़काव करना चाहिए। लाल भिंडी की कीमत और कमाई। बाजार में मिलने वाली सामान्य भिंडी की अपेक्षा लाल भिंडी के दाम काफी ज्यादा हैं। हरी भिंडी जहां 50 रुपए किलो तक की कीमत पर मिलती है, वहीं इसकी कीमत 400 से 800 रुपए किलो तक जाती है। बड़े शहरों के मॉल में लोग इसे 300 से 400 रुपए प्रति 250 से 500 ग्राम तक में खरीदने को तैयार हैं। एक एकड़ में करीब 40 से 50 क्विंटल तक उत्पादन हो सकता है। इसकी फसल भी सामान्य भिंडी की अपेक्षा जल्दी पक जाती है। करीब 45 से 50 दिनों में ये फसल तैयार हो जाती है। इसकी खेती से आप कम समय में ही अच्छी कमाई कर सकते हैं। लाल भिंडी खाने के फायदे। कमाई के साथ साथ स्वास्थ्य के लिए भी लाल भिंडी बेहद फायदेमंद है। लाल रंग की भिंडी में एंटीऑक्सीडेंट, आयरन और कैल्शियम समेत अन्य पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट तत्व आपके दिल को सेहतमंद बनाते हैं। हृदय, ब्लड प्रेशर, मधुमेह, कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्या का सामना कर रहे लोगों के लिए ये बेहद लाभकारी है। इसमें फॉलिक एसिड भी पाया जाता है। जिन गर्भवती महिलाओं में फॉलिक एसिड की कमी होती है, लाल भिंडी उसे दूर कर सकती है।